दोस्तों, मैं आंचल, मैं आज आपको लेके आई हूँ प्राचीन करणी माता जी के मंदिर में, जो ढाब के पास में स्थित है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं करणी माता के। आइए, ये काफी प्राचीन मंदिर है, ये देख रहे होगे आप स्थिति से। आइए, ये करणी माता जी का मंदिर अंदर से। यहाँ पे ढोल नगाड़े भी रखे हुए हैं, शाम को आरती के वक्त बजते हैं ये। माता की आरतियाँ एक साइड में लगाई गई है ताकि पढ़ने के लिए। आइए आपको मिलवाते हैं, मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए आपको मिलाते हैं दर्जी से। नमस्कार दर्जी, आपका नाम? भगवान दर्जी। बताइए हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी। ये मंदिर 1805 में 1795 में ये गढ़ की नींव रखी गई थी, उसी टाइम में ये मंदिर की भी नींव रखी गई थी। ये 1805 में लगभग ये छोटा सा मंदिर था, उसके बाद धीरे धीरे इसका विशाल रूप लेता गया। आज यहाँ खूब मेले भी लगते हैं, नौरतों में लंगर वगैरह होते हैं, जागरण वगैरह होते हैं और खूब भीड़ लगती है। काफ़ी पुराना मंदिर है। हाँ जी, जैसे साल में चार नवरात्रे आते हैं, दो भक्त आते हैं, दो बड़े आते हैं। तो जैसे बड़े में तो सब कुछ होता है, जैसे मान लो कंजका वगैरह जमाते हैं, जागरण वगैरह, दिवाली के बाद में जो नवरात्रे। हाँ जी। और जो छोटे हैं उसमें सिर्फ गुप्त पूजा होती है, और कंजके भी जमाते हैं तो वो गुप्त ही है। शुक्रिया जी, आपके आपको अंदर से इस मंदिर का पूरा दर्शन करवा के लाते हैं। ये देखिए, अभी जो बताया था छोटा सा जो मंदिर था स्टार्टिंग का जो था, नज़दीक से देखिए, ये माता का सबसे पहला मंदिर था यहाँ पे। इसके पीछे जो बने हैं मंदिर, ये यहाँ पे निर्माण हुआ है काली माता जी के मंदिर का। ये देखिए, काली माता जी का मंदिर बना है, काफी विशाल मूर्ति है। ये देखिए छोटी मूर्ति एक इधर और है। ये देखिए इस साइड में वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली नगाड़े वगैरह भी लगाए गए हैं, ये सब लाइट से अपने आप बजते हैं आरती के वक्त। इधर देखिए शिव जी की शिवलिंग, सोमवार को पूजा करने के लिए। नंदी जी भी है पास में, और वहाँ पे गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी है। काफी प्राचीन मंदिर है ये। इस साइड में ये हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, जिसपे पूरा इसको सिंदूर से सिंदूर चढ़ता है, तेल और सिंदूर। पंचमुखी बालाजी की मूर्ति है ये। ये तोलिया सर वाला जी भैरव जी का मंदिर है। ये देखिए, इस पर शनिवार को तेल चढ़ता है, पूजा भी होती है। ये देखिए, ये भैरव जी का मंदिर है, जहाँ पर शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है, दिए करे जाते हैं। ये काफी पुराने टाइम के बने हुए हैं। रास्ता ऊपर इधर से, इसके ऊपर भी मंदिर बने हुए हैं। आइए आपको दिखा के लाते हैं। ये सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए इधर। आइए, ये यहाँ से छोटा सा रास्ता है इसमें जाने के लिए ऊपर। और ये देखिए शेरावाली माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। आइए,
यहीं पे नवरात्रों में पूजा वगैरह भी होती है, शेरा वाली माता का ऊपर आके मंदिर है। पुराने टाइम का बना हुआ है तो उसी हिसाब से इसमें गेट वगैरह भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इसके पीछे है जो गढ़ है, सूरतगढ़ का जो गढ़ है, वो भी आई आपको दिखाते हैं इसके पीछे। आई ये देखिए, ये हमारे सूरतगढ़ का गढ़ है, ये देखिए, ये बच्चे खेलते हैं, इसको गोकुलधाम भी बोलते हैं। वो देखिए उस साइड गाय भी है, गायों को यहाँ पे हरा वगैरह डालने की, और भी पशुओं को, वो भी छोटी सी गौशाला बनाई गई है। और वो किला है यहाँ का, पहले राजा महाराजा यहीं पे रहते थे, सूरत सिंह राजा जी का किला है। ये मंदिर ढाब के पास में ही है, सीधा आप जब भी बोलोगे कि ढाब के पास में जाना है तो वहाँ पे एड्रेस यही है, उनके पास में सारे मंदिर आपको मिल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों।